हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताएं। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। प्रदेश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 13,322 नए मरीज मिले, साथ ही गुरुग्राम से 3,609 और फरीदाबाद से 1,755 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत से 984 नए केस मिले, पानीपत में 473 नए मामले मिले हैं। सिरसा में 638, महेंद्रगढ़ में 583 नए मामले, रोहतक में 525 और भिवानी में 428 नए मामले मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे पूरे प्रदेश के लिए 9 मई तक बढ़ा दिया गया। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित। कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों के लिए खतरा न हो। कोर्ट ने राज्यों को वैक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी प्रश्न उठाए हैं। मामले पर खुद कोर्ट ने 30 अप्रैल को लगभग 4 घंटे की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने 64 पन्ने का आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें केंद्र सरकार से कहा गया है कि वो 4 दिन के भीतर राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा आती है, तो इस आपातकालीन भंडार का इस्तेमाल कर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है। उधर कोरोना के समय में 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर पीएम मोदी से मांग की कि देश की जनता का फ्री वैक्सीनेशन की जाए। हमें देश में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। असम में जहां बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुमत में रही। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का मुंह देखना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। कल देर शाम किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी अचानक शंभू टोल प्लाजा पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया और किसानों के साथ बैठक भी की। चडूनी ने टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही चडूनी ने पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी की हार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों के विरोध के चलते ही बीजेपी की हार हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारने पर जाखल किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के किसानों ने गांव तलवाड़ा में मिठाई बांटी और पटाखे बजाकर खुशी जाहिर की। किसानों ने जाखल कुला रोड पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर टीएमसी की जीत के बाद किसानों में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला। ढांसा बॉर्डर धरने पर किसान जमकर फिरके। किसानों ने इस पूरे देश में किसानों की बड़ी जीत इसे करार देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने साफ कर दिया कि देश में तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा।
किसानों ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में हर तरीके से जीतने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन किसानों ने बंगाल में जाकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसका खासा असर देखने को मिला। किसानों की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल की जनता और किसानों ने महसूस किया कि दिल्ली के चारों ओर से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर कई जिलों का दौरा किया। इसी के तहत रविवार को सीएम कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में सीएम ने कहा कि हर पीड़ित प्रयास करता है कि उसे संभव जगह से अच्छा इलाज मिल सके, उसे प्रदेश में रोका नहीं जा रहा, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहां इलाज के लिए आना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भगत सिंह फूल महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और अधिकारियों से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के कारण कम सीरियस लोग घर पर आइसोलेशन कर रहे हैं, जो मरीज ज्यादा सीरियस हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है वो ही अस्पतालों में भर्ती हों। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन भेजी जा रही है, एक खेप आ भी चुकी है, दूसरी खेप जल्द ही हरियाणा पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर की अनाज मंडी का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आढ़तियों से उनकी समस्याएं जानी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है और अब तक 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्थाओं की कमी है तो उसे दुरुस्त भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की पेमेंट रुकी हुई है उनसे भी 2/3 किसानों को ब्याज समेत पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री जेपी दलाल चौधरी बंसला नागरिक अस्पताल के दौरे पर भी पहुंचे और नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि चिकित्सा और अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल करें, जिससे एक भी व्यक्ति की जान ना जाए। जेपी दलाल ने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड नियंत्रण के लिए रामबाण है, इसलिए भिवानी और दादरी जिले में रोज वैक्सीनेशन की क्षमता और केंद्र को बढ़ानी चाहिए, ताकि वर्तमान वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ ना पड़े। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी तरह की भ्रांतियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी में अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और चिकित्सकों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई। इस दौरान डॉक्टर शशि गांधी, डॉक्टर महेंद्र के अलावा नर्स गरिमा मौजूद रही। कैंप के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं, वे सुरक्षित रह सकें और देश और प्रदेश सुरक्षित बन सके। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों को जरूरत की ऑक्सीजन और दवाएं देने के लिए आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है। वहीं रादौर के सरकारी अस्पताल में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसको लेकर सरकारी अस्पतालों के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में वैक्सीनेशन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति बेहतर रुझान के चलते इस वक्त सभी सेंटर की क्षमता पूरी तरह से फुल हो चुकी है, अब लोग जानकारी के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं।
और वहीं टीकाकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवाओं ने वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के कोरोना की चेन तोड़ने और इससे बचाव के लिए इस वक्त वैक्सीन बहुत जरूरी है। सिरसा में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। रविवार सुबह से ही नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन वार्ड में 18 वर्ष के ऊपर से लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आई। सभी ने स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर युवाओं का कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इससे आप अपना खुद का और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं ने बताया कि आज उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई है और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। चरखे दादरी में रविवार से 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाने का पहला टीकाकरण किया जा रहा था। 700 लोगों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाया था। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में इस कदर का उत्साह देखने को मिला कि लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस अभियान को लेकर कमर कसी हुई है। इस दौरान हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी उपस्थित थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कैथल में भी युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर टीकाकरण करवाया। कुछ युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल में ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसी डिजिटल रसीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि कैथल में जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने इसका कारण बताया तो उन्हें किसी तरह की मुश्किलात नहीं पेश आई। अस्पताल में 5 से 6 मिनट में उनका टीकाकरण हो गया। उन्होंने संदेश दिया कि सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में रविवार यानी 2 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 18 साल से ऊपर जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनको टीका लगाया गया। इस दौरान युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को मिला। सरकारी अस्पताल से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि सोनीपत जिले के 26 वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया गया था और 4000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का मौका दिया गया था। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन केवल 1 घंटे में ही करवा लिया, उन्होंने लोगों से अपील की है कि पंजीकरण कराने के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों पर पहुंचें। भिवानी में 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीकाकरण किया जा रहा है। 150 लोगों ने रविवार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। और वहीं रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरा टीका लगवाया। जेपी दलाल ने बताया कि हम हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे, इसके लिए टीम बनाकर यहां की देखरेख भी करेंगे। साथ ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बेड और ऑक्सीजन की कमी जरा भी नहीं होने दी जाएगी। फतेहाबाद में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। भारी संख्या में युवा टीका लगवाने पहुंचे। हालांकि पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्या आने के कारण लोग परेशान नजर आए। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद टीकाकरण नहीं हो पाया। बता दें कि जिले में सिर्फ 4 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा ने कोरोना को मात दे दी है। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी कोरोना से जंग जीत ली है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है। सिरसा में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ। बता दें कि यहां 2 दिन से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही थी। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक और नागरिक अस्पताल के डॉक्टर खुद गैस एजेंसी पर बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण करवा रहे हैं। ऑक्सीजन एजेंसी संचालक का कहना है कि रविवार को भीड़ भी कम हुई है। सिरसा के लिए सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 2 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7.5 मीट्रिक टन कर दिया। बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन भी जल्द सिरसा पहुंच जाएगी। वहीं सुमित गैस एजेंसी के संचालक अनिल बांगा ने बताया कि 2 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी और मांग बढ़ने से कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन बढ़ाए गए कोटे की ऑक्सीजन और मिलने के बाद काफी राहत मिलेगी।
कैथल में प्रशासन ने जनता की मांग पर जनता कर्फ्यू लगाया, जिसकी वजह से पूरे शहर में दुकानें और बाजार बंद रहे। बिना वजह लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कहीं आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 और शाम को 4 से 6 दूध की सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, सरकारी अधिकारियों, मीडिया को छूट दी गई है। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फलों की रेहड़ियां भी बंद है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। खुद कैथल के एसपी और डीएसपी जनता कर्फ्यू का जायजा ले रहे हैं और लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। रेवाड़ी में प्रशासन की ओर से गठित की गई ऑडिट टीम ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी खामी पाई। टीम ने पाया कि कोरोना के नाम पर कुछ निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। जिले के 4 बड़े निजी अस्पतालों ने खुद के अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड फुल दिखा दिए। निरीक्षण टीम जब सच्चाई जानने के लिए अस्पतालों में पहुंची तो स्थिति कुछ और थी। वहां पाया गया कि इन अस्पतालों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें गलत जानकारी थी, जिस पर डीसी ने सख्त एक्शन लिया। डीसी के निर्देश पर चारों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे के भीतर जवाब तलब करने को कहा। रेवाड़ी के शमशान घाटों में कोरोना मरीजों के शव लगातार पहुंच रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि शहर में 3 शमशान घाट है। ऐसे में शमशान घाट के सफाई कर्मचारी 14 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एक शव का दाह संस्कार करके हटते हैं तो दूसरा शव दाह संस्कार के लिए आ जाता है। 3 शमशान जो कि दाह संस्कार के लिए चुने गए हैं, वहां 4-4 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। अगर सफाई कर्मचारियों की माने तो वो सुबह 6 बजे शमशान घाट पहुंचते हैं, रात 8 बजे घर लौट पाते हैं। कोरोना काल में सुर्खियों में रहने वाले विराट हॉस्पिटल पर मां की मौत के बाद एक बेटे ने गंभीर आरोप लगाए। सुलराही में अपनी मां का अंतिम संस्कार करते समय एक बेटे का दर्द छलक गया। बेटे ने कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब होने के बाद विराट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। विराट हॉस्पिटल में उसकी मां 12 दिन दाखिल रही। अस्पताल में 9 दिनों तक 1,50,000 रुपए वसूले और अगले 3 दिनों में 1.5 लाख रुपए और वसूल लिए गए और इस तरह 3 लाख से ज्यादा की राशि वसूली गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन के लिए उनके साथ ब्लैकमेलिंग की। हालांकि इस पर प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद अस्पताल के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल शहर के एनआईटी में स्थित फ्रंटियर कॉलोनी के परिवार पर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा। परिवार में मरने वाले पति, पत्नी और 2 बेटे हैं। इन चारों की मौत 10 दिन के अंदर हुई है। कॉलोनी वालों का एक निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप है। इनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख का बिल बनाया था, 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के लोगों ने भी जमा करा दिए। इसके बावजूद अस्पताल के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया। पंचकुला के सेक्टर 28 के शमशान घाट में शनिवार को एक साथ 20 कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार किया गया। नगर निगम के एसआईए जसूद ने बताया कि सेक्टर 20 के शमशान घाट में 14 बेड़े हैं और सेक्टर 28 के शमशान घाट में 40 बेड़े हैं। एसआईए जसूद ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमित शव पंचकुला के अलग अलग अस्पताल से आए थे। अंबाला पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के नाम पर केवल किसान आंदोलन को खत्म करने का कोशिश की जा रही है। टिकैत ने कहा कि सरकार तो ऐसा कह रही है मानो कोरोना का उद्गम स्थल ही किसान आंदोलन हो। वहीं अंबाला में किसानों को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि किसान आंदोलन चल रहा है और फिर भी सरकार ने खरीद बंद की हुई है। टिकैत ने कहा कि सरकार गारंटी ले कि किसान आंदोलन समाप्त होने से कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो विचार कर सकते हैं। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन कर महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा पड़ गया।
दरअसल राकेश टिकैत के अंबाला के धुराली गांव पहुंचे थे, जहां महापंचायत में हजारों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसमें ना तो लोगों ने मास्क पहने थे और ना ही सामाजिक दूरी नजर आ रही थी। इस महापंचायत में धारा 144 का भी जमकर उल्लंघन हुआ और जमकर कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत पर महामारी फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की है। बाड़ा अनाज मंडी में गेहूं खरीद का अजीब खेल चल रहा, बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों से ट्रकों में भरकर गेहूं आ रहा है और ये गेहूं बिना गेट पास के ही पहुंच रहा है। जानकारी देते हैं कि 3 मई तक मंडियों में कोरोना को देखते हुए खरीद पर रोक लगी हुई है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से बाड़ा के अनाज मंडी में भी गेहूं की खेती की जा रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल का विधायक दीपक मंगला ने औचक निरीक्षण किया, उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के तिमारदारों ने विधायक को अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं और स्टाफ की कमी के बारे में बताया। अस्पताल में ना तो मरीजों को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए और ना ही मरीज तिमारदारों को। लोगों की समस्या सुनने के बाद विधायक दीपक मंगला ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जनता से अपील भी की कि सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर किए जा रहे उपायों में संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं से निरंतर सहयोग करने का आह्वान किया।